गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज की जो एक्टिविटी आपको स्केच कॉपी में करनी है और ये इसमें आपको डेट डालनी है 26, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ टॉपिक डालना है फ्लावर, ये ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है, ठीक है। सिर्फ आपको रफली बनाने हैं, किसी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे आप, कोई बात नहीं। अगर टेढ़े मेढ़े भी बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ऐसे बनाने हैं, ठीक है। सर्कल बनाने के बाद आपको इनको डिवाइड करना है। तो जैसे पहला फ्लावर जो मैं बना रही हूँ उसको मैंने 4 उसमें डिवाइड किया है, और मैं इसमें पेटल बनाऊँगी इस तरह से। आप कोई से भी शेप ले सकते हैं, ये अब मेरे को बनाना है 6 वाला। तो मैंने ये बीच में लाइन खींची और उसके बाद मुझे ये क्रॉस बनाना है, ठीक है। जी इनको आपको हल्का ही बनाना है, आपको डार्क नहीं बनाना। मैं डार्क इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको विजिबल हो। ये इस तरह से इस सर्कल को छूते हुए आपको इसकी पेटल्स बनानी है। उससे क्या होगा, आपकी सारी पेटल्स एक साइज की बनेगी और ऊपर नीचे नहीं बनेगा, और आपका फूल फ्लावर जो है वो दिखने में सुंदर बनेगा, ठीक है। अब हम बनाएंगे 8 पेटल्स। इसके लिए हमको क्या करना है, ये इस तरह से किया, ठीक है ना, और इस तरह से बीच में प्लस बना के फिर हम इससे यहाँ पे और एक बार ऐसे, ये हमारी 8 पेटल्स हो गए, ठीक है ना। इसको हमको आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, ये। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि आप हर तरह के 3-3 फ्लावर बनाएंगे, 4 पेटल के। जैसे ये 4 पेटल्स है, ये है 6 और ये 8, ठीक है ना। तो आपको 4, 6 और 8 पेटल्स के आपको यहाँ पे 3-3 तरह से अलग अलग पेटल्स के फ्लावर बनाने हैं, ठीक है। और उसमें कलर भी आपको करना है अच्छे से, और फिर अपने क्लास ग्रुप में इसको शेयर करना है।